Hello everyone, welcome to this course on matrices, class 12th. This is our lecture number 9 on matrices. हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स एल्जेब्रा से रिलेटेड सारे चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन. इस क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का? एक मैट्रिक्स लिखते हैं कोई भी रैंडम 1, 2, 3, 6, 9, -7. ये एक 2x3 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर दो रोज हैं एंड तीन कॉलम्स हैं. इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए रेज टू पावर टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, या फिर ए डैश. डैश का मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है. इसमें हम क्या करेंगे, आप जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी कॉलम है वो अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे 1, 2, 3 पहली रो थी, अब वो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन गई 6, 9 एंड -7. ट्रांसपोज लेना एकदम इजी काम है. जो भी रो है आप उसको कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में. या फिर आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आपका पहला कॉलम है ये, अब आपकी पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो. इसका मतलब है अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो उसके ट्रांसपोज, इसकी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसकी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम. रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएगी. आप प्लीज इसको लिख लीजिए. लेट अस मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं एंड उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस फिर से आ जाएगी. ये मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ. एक ए मैट्रिक्स लेके 2x2 की 1, 2, 4 एंड 7. सपोज आपने कोई 2x2 की ए मैट्रिक्स ले ली, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा? 1, 2, 4 एंड 7. हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो अपने आप सेकंड कॉलम हो गई. अब इस मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज लीजिए आप, इसके अंदर क्या होगा, ये वाली जो कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी फिर से एंड ये वाला सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी 4, 7. अब आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी इनिशियल मैट्रिक्स थी वही फिर से आ गई. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं के और उस कंप्लीट का ट्रांसपोज लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू के टाइम्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जब आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं फिर उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं वो इक्वल होगा. आप मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करिए फिर ऐड करिए. अगर आप पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल होगा, पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करेंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जिस तरीके से एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन. फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा ध्यान से नोट करिए, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज. यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया एंड मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. नोट करिए इस प्रॉपर्टीज को, एक एग्जाम्पल करते हैं इसके बाद हम. एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा. क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, फाइंड अल्फा. आपको अल्फा की रेंज दी हुई है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन ब्रैकेट्स.
आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। कंटिन्यू दिस वीडियो फॉर दिस सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन में दिया है a प्लस ए ट्रांसपोज, हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले बता दीजिए a ट्रांसपोज आएगा कितना, a ट्रांसपोज आएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड यहाँ पे आएगा साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया a ट्रांसपोज। a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, a मैट्रिक्स के अंदर आपको a डैश जोड़नी है, a ट्रांसपोज जोड़ने, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos alpha, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। एंड ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, 1 0 0 1, एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है I2 है ये, तो ये 2 को स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 0 0 2। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है, ओके दिस इज रूट टू, सॉरी। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो उनके रेस्पेक्टिव हर एक एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एंड ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू रूट टू, दैट मीन्स cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब अल्फा की आपको रेंज दी हुई है ओपन ब्रैकेट 0 से π/2, आपको पता है कौन सी अल्फा की वैल्यू पे cos 1 बाई रूट 2 है, दिस इज 45 डिग्री या फिर π/4, और अल्फा इज इक्वल टू π/4। ये है आपका आंसर। पॉज दिस वीडियो और इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पे आपको 3x3 की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 1 2 2 2 1 -2, A 2 B, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। गिवन क्या है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ I3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्वेश्चन सेज कि एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 2 2 1 -2, A 2 एंड B। आपको गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। इफ यू आर डन विद द सॉल्यूशन प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो। ए इंटू ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए लिखते हैं 1 2 2 2 1 -2, A 2 B इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में, 1 2 A 1 2 A, 2 1 2 2 1 2 2 -2 B। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ रहा है 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। चलो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं क्विकली। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 1 × 2 2 2, 2 + 2 4, 4 - 4 0, A + 4 + 2 B। सेकेंड रो 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 - 4 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 2A + 2 - 2B, A + 4 + 2B। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2A + 2 - 2B, और लास्ट एलिमेंट A² + 4 + B²
एंड ये इक्वल है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9000090009. अब एलिमेंट वाइज एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं, 9 9 के इक्वल है 00 के. सबसे पहले हमको एक इक्वेशन मिलेगी ये वाले एलिमेंट्स कंपेयर करने से, ए प्लस 2b + 4 इज इक्वल टू 0. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए. दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, या तो ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, 2a + 2 - 2b इज इक्वल टू 0, या फिर आप ये वाले एलिमेंट कंपेयर कर लीजिए, a - 2b + 2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल इजीली गेट a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1. ये आपका सॉल्यूशन. प्लीज वीडियो को पॉज करें एंड सी इफ योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उन्हीं मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जिन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उन्हीं मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 ये वाला कॉलम रो बन गया, 2 1 ये वाली कॉलम रो बन गया. अब आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, ए मैट्रिक्स ए डैश के इक्वल ही है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. स्क्यू सिमेट्रिक, जिन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उन मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल आए. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a. आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा. सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. ए आपने कोई मैट्रिक्स ली, 1 2 -2 और 4, 0 2 -2 एंड 0. इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, 0 - 2 ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कन्वर्टेड टू फर्स्ट रो, और ये आपका सेकंड कॉलम है, ये हो जाएगा आपका सेकंड रो. अब आप देखिए, इसके अंदर से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, 0 2 -2 एंड 0 ए डैश, और ये वाली मैट्रिक्स आपकी खुद ए थी जो हमने यहाँ लिखी हुई थी, 0 2 -2 एंड 0. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ. इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में ये फंडामेंटल डिफरेंस है, यहाँ पे मैट्रिक्स खुद उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है, यहाँ पे मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है. वीडियो को पॉज करें एंड इन डेफिनेशंस को आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लें. नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे is also a symmetric matrix. दो symmetric matrix का addition भी एक symmetric matrix ही होता है. For example, A matrix एक symmetric matrix, इन दोनों matrix को add करते हैं, यह आएगा 3 6 6 एंड -4. अब आप अगर चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा. चेक कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये वाला कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये वाला कॉलम
अब देखिए 3, 6, 6 एंड माइनस 4, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है हर मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को भी आप वैलिडेट कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को किया था। आई डोंट थिंक कि इसका प्रूफ नेसेसरी है। आप सिमिलरली कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स ए ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ए को दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर आप उसी मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। मैं आपको इलस्ट्रेशन से ये प्रूफ कर देता हूँ। आप ए कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 1, 2, 3, 4, अगर आपने 1, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स ले ली, आप उस मैट्रिक्स के अंदर उसी का ट्रांसपोज ऐड करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों का जो एडिशन करके मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर एनी मैट्रिक्स ए ए माइनस ए डैश ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन, आप दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए ए, अगर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए माइनस ए डैश लिखेंगे, ये वाली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ये वाले दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर इस प्रॉपर्टी को मैं रिकलेक्ट करूंगा, तब आपको याद होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, ए प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी एंड ए माइनस ए डैश हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, ए चाहे दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो। इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर फाइव एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी मैं फिर से बोल देता हूँ, एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली ए, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही है, इधर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, ए के इक्वल ही रहेगा। 2a को आप ए प्लस ए लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करिए, अगर ऐड किया है तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, 2 तो नीचे था ही, अब 2 को आप अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, ए प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि ए चाहे दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए टी हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी और a माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए, हमने a मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था, हमने इसी मैट्रिक्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है, ये वाली सिमेट्रिक पार्ट और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। एक क्विक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसके ऊपर।
एक मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो जीरो सेवन, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है एंड ये क्वेश्चन चार नंबर की वेटेज रखता है। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ब्रेक दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। देखो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए टी अपॉन टू प्लस ए माइनस ए टी अपॉन टू। अभी हमने प्रूव किया है तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। सिमेट्रिक वाला पार्ट लिख लेते हैं पहले, सिमेट्रिक पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, अलग से लिख देता हूं, ये सेकंड पार्ट में भी काम आएगा, ए ट्रांसपोज। ये वाले कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा 140, ये वाला सेकंड रो एंड ये वाली थर्ड रो 367। अब ए को ए ट्रांसपोज में ऐड करना है, ए को ए ट्रांसपोज में ऐड करना है तो ये आएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 3 6 10 6 3 6 एंड 7 प्लस 7 14 और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 आप कैसे ऑपरेट करेंगे, हर एलिमेंट को दो से डिवाइड कर दीजिए, 1 3 3 बाय 2 3 5 3 3 बाय 2 3 एंड 7। ये वाली मैट्रिक्स आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे पता लगाएंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है, आप इसका ट्रांसपोज लीजिए और देखिए ये मैट्रिक्स खुद इसके ट्रांसपोज के इक्वल मिलेगी। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस वाली मैट्रिक्स में से ये सबट्रैक्ट कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये सिंपल एग्जांपल समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली अगर बोर्ड में आते हैं तो चार नंबर की वेटेज रखते हैं। एक क्विक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक को समझने के लिए। फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स विच इज बोथ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 की ऐसी मैट्रिक्स सोचनी है जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द डायगनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। आप अगर चाहें तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 6 भी मेंशन कर सकते हैं। ये प्रूव कर लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2 की, ए बी सी डी। हमारी प्रोपोजिशन क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए और डी को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आएगा। इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज आएगा ए सी, बिकॉज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया एंड बी डी, ये हो जाएगा माइनस ए के इक्वल। ए कितना था, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट को, माइनस बी माइनस सी एंड माइनस डी। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनको कंपेयर कर देते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ए, सी इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू माइनस सी एंड डी इज इक्वल टू माइनस डी। यहाँ से देखिए 2a इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। अब क्वेश्चन क्या था कि आपको ऐसी मैट्रिक्स सोचनी है 2x2 की जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सिमेट्रिक भी हो। सबसे पहली बात 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं एक, ए बी सी डी। अब अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है
तो इसके डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो एंड डी की वैल्यू जीरो। अब हमको बी और सी की वैल्यू और निकालनी है। अब देखिए, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा जीरो सी बी जीरो, वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा जीरो बी सी जीरो। तो यहाँ से एलिमेंट कंपेयर करने से पता चल गया कि बी जो है सी के इक्वल आएगा, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स होगी जीरो बी बी जीरो। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा जीरो बी बी जीरो। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक तो है ये, जीरो माइनस बी जीरो। अब आप एलिमेंट कंपेयर करिए, जीरो जीरो के इक्वल बी माइनस बी के इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ए और डी पहले ही जीरो हो गए थे क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बी हमने सी के इक्वल प्रूव कर लिया यहाँ से, बी हमने सी के इक्वल प्रूव कर लिया यहाँ से। अब इसकी जगह मैंने बी रिप्लेस कर दिया, अब फिर से स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी लगाई तो बी भी जीरो आ गया, इसका मतलब पूरी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी जीरो 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 जीरो। तो दुनिया में एक ही मैट्रिक्स ऐसी है, नल मैट्रिक्स, जो बहुत सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर लेक्चर नंबर 9। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।